अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अहमद है। चलें आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में किस तरह एक बेसिक लेवल की लैब क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हम राउटर का यूज़ करेंगे, स्विचेस को यूज़ करेंगे और एंड डिवाइसेस के लिए पीसीस और लैपटॉप का यूज़ करेंगे। तो इसी तरह राउटर में हम किस तरह इंटरफेस मॉड्यूल ऐड करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से दो राउटर क्लिक करता हूँ, 2600 सीरीज़ के, जिनके मॉडल हैं 2620XM। इनमें इंटरफेस के लिए मॉड्यूल ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप लेफ़्ट पे देखिएगा कि बहुत सी इकसाम के यहाँ पे डिवाइसेस उन्होंने दी हुई हैं इंटरफेस के लिए मॉड्यूल जो हैं। तो वैसे बेसिकली हम जो अपनी लैब में यूज़ करते हैं उनमें एक WIC 2T और WIC 1T जो हम जनरली यूज़ करते हैं, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे देखें उसके लिए उन्होंने ब्रीफली उसके डिस्क्रिप्शन दी हुई है और राइट के उसमें पिक्चर भी है। तो इसको हम क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। तो देखिए जैसे मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो वो कह रहा है कि आपको आप पावर ऑन होते हुए इसमें मॉड्यूल ऐड नहीं कर सकते। तो मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ, मॉड्यूल पिक करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। इसी तरह पिक एंड ड्रॉप और इसकी पावर को ऑन करता हूँ और इसी तरह दूसरे राउटर में पावर को ऑफ किया, मॉड्यूल को पिक एंड ड्रॉप किया और पावर को ऑन किया। अब इन दोनों की कनेक्टिविटी के लिए हमें केबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम जाएंगे कनेक्शन में। यहाँ से हम सीरियल DC और DT जो केबल्स होती हैं उनका यूज़ करते हुए इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो मैं यूज़ करता हूँ सीरियल DC, इसका राइट क्लिक करता हूँ और सीरियल 0/1 को सीरियल 0/0 दूसरे राउटर की इंटरफेस में कनेक्ट कर देता हूँ। तो लीजिए इससे आगे हम एक स्विच पिक करेंगे, एक लेफ्ट साइड पे और दूसरा राइट साइड पे। अब इसको कनेक्ट करने के लिए हमें फिर से कनेक्शन में और स्ट्रेट केबल की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो फास्ट इथरनेट 0/24 से लेके फास्ट इथरनेट 0/0 राउटर की में, और इसी तरह एक और फास्ट इथरनेट 0/0 से फास्ट इथरनेट 0/24 में। तो देखिए अब एंड डिवाइसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ से एंड डिवाइसेस में। यहाँ पे आपको PC मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, सर्वर मिलेंगे, इसी तरह प्रिंटर मिलेंगे, फ़ोन मिलेगा, TV मिलेगा और स्मार्ट डिवाइसेस मिलेंगी। तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं PC, इसी तरह राइट साइड पे भी एक PC रख लेते हैं और एक सर्वर, और वही कनेक्शन के लिए स्ट्रेट केबल की ज़रूरत पड़ेगी। स्विच पे लेफ्ट क्लिक किया, फास्ट इंटरनेट 0/1 से PC के फास्ट इंटरनेट में कनेक्ट करते हैं। इसी तरह फास्ट इंटरनेट 2 से PC के फास्ट इंटरनेट में कनेक्ट करते हैं और सेम राइट साइड पे भी स्विच की फास्ट इंटरनेट 0/1 से PC के फास्ट इंटरनेट में लिंक करते हैं, और इसी तरह फास्ट इंटरनेट 0/2 से फास्ट इंटरनेट सर्वर में कनेक्ट करते हैं। तो लीजिए एक बेसिक लेवल की जो लैब हो सकती है उसमें राउटर, स्विच और एंड डिवाइसेस के लिए PC और सर्वर हो सकते हैं। तो हमने इस लेक्चर में सीखा कि हम किस तरह से राउटर को उसमें कनेक्ट कर सकते हैं आपस में और उनमें किस तरह से इंटरफेस के लिए उनमें किस तरह मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह स्विच और एंड डिवाइसेस को किस तरह एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानुल्लाह।
video tutorial with voice included.